पर इंडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। कोविड 19 से पहले हवाई सफर करने वालों को काफी सुविधाएं दी जाती थी, हेडफोन, खास पसंदीदा खाना, लेकिन कोविड 19 के बाद इनमें से कई सुविधाओं में कटौती होनी तय है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए विमान की कुछ सीटें खाली रखनी पड़ेंगी, इसलिए एयरलाइंस को अपना मुनाफा बनाने के लिए सुविधाओं में कटौती करनी ही पड़ेगी। हाँ, यात्रियों को मास्क और फेस शील्ड जैसी जरूरी चीजें देने का चलन भी शुरू हो गया है। मांग कम होने के कारण अक्सर किराया भी बढ़ जाता है, तो आने वाले समय में हमें हवाई सफर के लिए बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन चलाना बहुत महंगा काम है। एक बोइंग 737 विमान 10 करोड़ डॉलर से भी महंगा होता है, फिर इसमें ईंधन और टैक्स भी जोड़े, साथ साथ पायलट और केबिन क्रू का खर्च शामिल कर ले तो एक ही विमान उड़ानी में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत आती है। इतनी भारी लागत वसूलने के लिए कई बजट एयरलाइंस अपने विमानों में अधिक यात्री बैठाती है, जैसे कि आयरलैंड की रायन एयर या भारत की इंडिगो एयरलाइंस। ये अपने केबिन में 10% ज्यादा यात्री बैठाती है ताकि लागत वसूल सके। अब सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में बजट एयरलाइंस ये नुस्खा नहीं आजमा सकती। मांग उठ रही है कि विमानों में 2/3 से ज्यादा सीटें न भरी जाएं। इस वजह से भी हवाई सफर का किराया बढ़ने की आशंका है। यूरोपीय कंपनी एयरबस के चीफ एग्जीक्यूटिव गुइलोमे फौरी कहते हैं कि कोविड 19 विमान उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट है। इसी तरह 300 एयरलाइंस का संगठन IATA कहता है कि विमानन उद्योग का रिकवरी का सफर अभी तो शुरू ही हुआ है, ये बहुत लंबा और तकलीफ दह सफर होगा। लबालुबोव यह है कि हवाई यात्रा का कारोबार कोविड 19 के सदमे से उबर तो जाएगा ही, लेकिन ये कब तक होगा और इसकी लागत कितनी आएगी कह पाना मुश्किल है।